नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज 11 टीवी में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। फरवरी 2023 को आकस्मिक चेकिंग की गई थी जेल में, जिसमें अनाधिकृत रूप से अब्बास अंसारी अपनी पत्नी से फोन उपयोग करते हुए मिलते पाए गए थे। उसी के संबंध में विदित है कि मुकदमा पंजीकृत किया गया था 88 बरीस करवी कोतवाली में, जिसके में निखत बानो एवं उनके ड्राइवर नियाज अंसारी को गिरफ्तार किया गया था एवं उसके पश्चात उनके सहयोगी फराज खान एवं नवनीत सचान की भी गिरफ्तारी की गई थी। तो विवेचना के क्रम में 26/2/2023 को यहां से 18 टीम्स रवाना की गई थी छापेमारी के लिए, जो कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गई एवं प्रदेश के बाहर भी गई एवं इस मुकदमे से जुड़े हुए जो अभियुक्त हैं उनके कुछ जानकार सहयोगी हैं एवं विवेचना में जो अन्य संदिग्ध लोग सामने निकल के आए हैं उन सभी के आवासों पर छापेमारी की गई है। और इसमें जो एक उल्लेखनीय बात है वो ये है कि जो ड्राइवर नियाज अंसारी, जिसकी गिरफ्तारी इस मुकदमे में की गई थी, उसका ग्राम रेवतीपुर जनपद गाजीपुर में है और वहां पर छापेमारी करने पर वहां पे कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई जिसका ब्यौरा उनके परिवारजन नहीं दे पाए, जैसे कि 4 लाख रुपए कैश, एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी जो कुछ ने पहले क्रय की गई है, एक नई बंद 10 लाख की FD, तो उन चेकबुक से अभी 4 चेक्स कटे हैं। तो क्योंकि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था इन सारी वस्तुओं का, तो इनको पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है, सीज कर लिया गया है एवं इनके संबंध में अग्रिम जांच की जा रही है। इसी के साथ साथ अन्य जगहों से भी कुछ ऐसे दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिन पर अग्रिम जांच करना उचित है, उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं एवं इसके संबंध में आगे जो भी अपडेट्स होंगे मीडिया से साझा किए जाएंगे। इस केस में एक और अपडेट ये है कि अभी तक का जो साक्ष्य संकलन हुआ था उसके आधार पे जेल में तैनात डिप्टी जेलर चंद्रकला, जो कि मुलाकात के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उनकी एक मुख्य भूमिका इसमें निकल के आई, जिस अनाधिकृत रूप से अब्बास अंसारी की पत्नी उन्हें मिल रही थी और जो सामान जेल के अंदर ले जा पा रही थी, तो विवेचना के क्रम में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है एवं आज उनको जेल भेज दिया गया है। अन्य जो लोग हैं जो जिनका रोल संदिग्ध प्रतीत हो रहा है उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है, उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन किया जा रहा है एवं जल्द ही आगे अपडेट दिया जाए। नवनीत सचान की क्या भूमिका रहेगी? नवनीत सचान का वहां पे कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम है और उनका जेल में काफी आना जाना है, तो जो CBR एनालिसिस किया गया था गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का, उनसे पता लगा कि नवनीत सचान से उनकी काफी बातचीत है एवं उनके द्वारा जो बयान दिया गया उसमें भी ये सामने निकल के आया कि उन्होंने अब्बास अंसारी के बिहाफ पे पैसे विड्रॉ करके जो उनके ड्राइवर ने उनको दिए थे कुछ जेल अधिकारियों एवं कर्मियों को दिए हैं, जिससे कि ये अनाधिकृत गतिविधियां जेल में बिना किसी के चल सके। कितने रकम की तौसीफ है? उन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपए बताए हैं। प्रयागराज में जिस तरह से हत्याकांड हुआ जिसको लेकर के पुलिस कितना अलर्ट है, चित्रकूट पुलिस के की बॉर्डर क्षेत्र जी, हमारी बहुत भारी अलर्टनेस है और जब से वो हत्याकांड हुआ है तब से हमारे जो दोनों बॉर्डर्स हैं, जो अप्रोच रोड्स हैं प्रयागराज से, उन पर 24 घंटे की चेकिंग चल रही है और कोई भी वाहन और लोग ऐसे नहीं है जो बिना चेकिंग के जा सके और भारी संख्या में सशस्त्र पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है ताकि जो इस हत्याकांड के आरोपी हैं यदि वो ये माध्यम यूज करते हैं आने जाने के लिए तो उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। बड़े स्तर पे छापेमारी की थी और यहां से 18 टीम्स रवाना की गई थी प्रदेश के अलग अलग स्थानों पे एवं कुछ प्रदेश से बाहर भी, और जो इस प्रकरण से जुड़े हुए अभियुक्त हैं एवं उनसे जुड़े हुए लोग उनके आवासों पे एवं जो विवेचना के क्रम में कुछ संदिग्ध व्यक्ति निकल के आ रहे हैं उनके आवासों पर ये छापेमारी की गई थी और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 200 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल किए गए थे और पूरे रेंज से हमने इसके लिए फोर्स लिया गया था। तो इस पूरी कार्रवाई में जो उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है वो ये है कि जो एक अभियुक्त अंसारी थे जो कि अब्बास अंसारी ड्राइवर बताए जाते हैं, ग्राम रेवतीपुर जगदाजी में जो गांव है उनके घर पे जाके छापेमारी की गई तो वहां कुछ ऐसी आपत्ति वस्तुएं पाई गई जिसका ब्यौरा परिवार स्पष्ट रूप से नहीं दे सके और इसमें शामिल है 4 लाख कैश, एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी जो हाल ही में क्रय की गई,
10 की एक एफडी जो नई के नाम से जनवरी 2023 में बनाई गई, 5 रिसीट्स ऑनलाइन ट्रांसफर उनके बैंक अकाउंट में जो वहां पे पाई गई, और इसके अलावा एक एसबीआई की चुक जिससे हाल ही में चेक्स काटे गए हैं जिनके संपूर्ण विवरण बाहर नहीं दे पाया। तो ब्यौरा ना होने के कारण भी वस्तुओं भी द्वारा जब्त कर लिया गया है एवं इस संबंध में अग्रिम जांच की गई है। इसके साथ छापेमारी में अन्य कुछ वस्तुएं प्रकट में आई जिनको कुछ इस तरह के दावेज हुए हैं जिन पुलिस द्वारा सीज कर लिया गया है एवं उनके समय पुष्टि करी है। एक और आपको देना ये कि विवेक के क्रम में जो साक्ष्य प्राप्त हुए उस आधार पर वहां पर डिप्टी जेलर चंद्रकला की मुलाकात के इंच थी कि मुख्य भूमिका प्रकरण में निकल के आई और क्या आधार की गिरफ्तारी कर ली है। जो अन्य पुलिस में जेल में तैनात जेल कर्मी है उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके विरुद्ध साक्ष्य संख्या की कार्रवाई प्रेरित है एवं आगे गिरफ्तारियां होंगी उसके साथ आपको सूचना जी की कहां से हुई है? ये हुई है जी कहां जेल में? लखनऊ। आज हुई है? आज उनको कल गिरफ्तार कर लिया था, आज जेल भेज जी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है और कुछ से पूछताछ चली है तो उसी आधार पे आगे उनकी गिरफ्तारी निर्णय लिया गया जी। जिनसे पूछताछ चल रही है गोपनीय स्थानों पे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। किसका? नहीं वो मीडिया वाले ही जान रहे होंगे, हमें तो नहीं मालूम किसका नहीं आ रहा है, मैं तो पहली दफा सुन रही हूँ। हमारी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं कुछ खास खबरों के साथ।